लोकसभा चुनाव का परिणाम 23 मई को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भाजपा को उत्साहित कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 23 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक भाजपा मतगणना में बैठने वाले एजेंट्स को एक दिन पहले ट्रेनिंग देगी। साथ ही बैठक में एग्जिट पोल और पार्टी के अंदरूनी सर्वे पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि एग्जिट पोल प्रदेश में भी सही साबित होंगे और भाजपा फिर से 25 सीटें जीतने जा रही है। वैसे तो कई प्रकार के एग्जिट पोल ने भी अपनी अपनी जो भी उनके पास सूचना थी उसके आधार पर अपनी कुछ अंक उन्होंने निकाले, पर राजस्थान में आज हमने अपने सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हर एक लोकसभा में लगे हुए थे प्रमुखता के रूप से, उन सबसे पूरा डिटेल लिया। और डिटेल लेने के बाद मैं बहुत आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि राजस्थान की 24 में से 24 जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और एक पर जिसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। एक बड़ी धारणा टूटेगी कि जहाँ जिसकी सत्ता होती है उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं, तो बड़ी सफलता मैं मानता हूँ कि पहले तो धारणा टूटेगी। दूसरी, सीटों के बारे में मुझे हंसी आ रही थी कि कल तक भी कांग्रेस के लोग पायलट साहब सचिन पायलट जी कह रहे थे कि 25 के 25 कांग्रेस जीतेगी, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का आकलन और उसकी तैयारी और उसके नेताओं की सोच जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से